मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आज क्या हुआ ना, मतलब आप सुनते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो हेलो नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर ब्लॉग में। तो आज क्या है, आज क्या है, आज कुछ नहीं है, बसंत पंचमी कल है। तो हाँ, क्या कह रही थी मैं, कल रात तो बारिश हुई, पता ही है आपको, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तो जैकेट वगैरह लेकर के मैं उठी थी, बट क्या किया ना, अंदर काम कर रही थी, थोड़ी गर्मी सी हो रही थी तो मैंने उतार दिया। और मतलब ठंड जो है ना बारिश के बाद सच में कम लग रही है। आकांक्षु जो मेरा हाउस सेल्फ है उसने बोला था कि बारिश हुई तो ठंड कम हो जाएगी, और एक्चुअली में मुझे ये दिख रहा है कि हाँ ठंड, मतलब बारिश हुई तो वैसे सिर्फ ठंड होता है ना कि बारिश हुई थोड़ी बढ़नी चाहिए या कुछ भी, बारिश हुई ठंड कम लग रही है, हवा में वो ठंडक नहीं है। तो होप सो कि वेदर अब सुधर जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। परेशान हो गई थी सच में ठंड से, ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई, तो और मतलब मैसेज हो जाता है। तो फिर अब चलूँ देखूँ, काम देखूँ या बेबी को देखती हूँ जग गई है क्या है। अभी तो जगने का टाइम नहीं होना चाहिए उसका, बाकी कोई ठिकाना नहीं है उसका, कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं उठ जाऊँ तो पीछे से उसे उठना ही उठना है, क्योंकि काम सारे निपटाने होते हैं उनको मैडम जी को। गुड मॉर्निंग, आइए आइए। सुबह सुबह अंकल दिख गए। और ये देखिए मेरी बेटी का स्टैंड, मतलब सोफे को हमने चिपका दिया है, बिल्कुल यूजलेस कर दिया है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से स्टंटिंग करेगी और गिरेगी। और ये बटरफ्लाई की क्लिप मैंने लगा दी थी, जिसको पहन के ये बहुत ही खुश थी। ये देखिए मेरी बेटी का प्यार इसके इस ड्रेस के लिए, भगवान कल इतनी तबाही मचाई इसने और आज फिर लेके घूम रही है, खुद से पहन लेगी इसको, पहनना आ जाए ना खुद से पहन लेगी इसको। हे भगवान, मेरी बेटी शैतान हो तुम बेटा, एकदम शैतान हो क्या? नहीं नहीं ये नहीं पहनेगी। अरे सारे दिन यही पहनोगी बुद्धू, रोज यही पहने रहो तुम। हे भगवान, चिपका देते तुम्हारे साथ इसको, ड्रेस को बुद्धू। A few moments later. इवनिंग का टाइम हो चुका है, सारे दिन मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं करी, तो मतलब मूड ठीक नहीं है, काम हुआ नहीं ना अपना, जैसे कि मतलब टेलर के पास जा रही थी तो वो भी काम नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। पीने का मन हो रहा है इसलिए सूप बना रही, पानी खोल गया मेरा। मेरा यही तरीका होता है सूप बनाने का, और ठंड के टाइम पे अभी जब भी लो फील करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही सूप बना करके फिर जैसे चाय पीते वैसे चाय की तरह पी लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसे करना। और ऐसे थोड़े से पानी में पहले जब मिक्सअप कर देते हैं ना अच्छे से, तो फिर गाँठें नहीं पड़ती हैं, तो अच्छा रहता है, ईजी भी रहता है बनाना, तो अच्छा है ये वे। मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। आज क्या हुआ ना, मतलब आप सुनते हो कहीं वीडियोस में होती हैं कि मीशो का स्कैम ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो क्या हुआ ना मेरे साथ, मैंने भी एक ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर करके मैंने बस छोड़ दिया था कि हाँ भाई इतने तारीख को डिलीवर हो जाएगा सामान। फिर मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह चेक करने लगी कुछ दिनों के बाद कि ऑर्डर कब पहुंच रहा है, डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, तो उसमें देखा मैंने मीशो ने खुद ही कैंसिल कर दिया था उस ऑर्डर को, और उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने इस सेलर को क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अगर प्रोडक्ट आता है तो आप रिसीव ना करें, और अगर रिसीव करी है तो फिर उसके बाद मतलब मीशो की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी, आप मतलब मीशो से कुछ भी रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करा पाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर मतलब उन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उन्हें, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है उस सेलर को, दैट मीन्स कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऑर्डर करें ना, तो मतलब ये ना सोच लें कि हाँ भाई अब कर दिया है उस दिन आ जाएगा, ऐसा कुछ मतलब बीच में एक दो बार चेक भी कर लें। तो
आज हुआ सुबह सुबह ये कि मेरे पास डिलीवरी मैन का फोन आया, उसने कहा कि आपका पार्सल है ऐसे ऐसे इतने रुपए का है। मैंने बोला कि ऐसे कैसे, मैंने अमेजन से भी मतलब कुछ मंगवाया हुआ था। तो फिर मैंने क्या कहा कि ठीक है आप आइए एक बार चेक करते हैं। तो मैंने जब पैकेट से मतलब ऐसे लग रहा था ले लूँ ना लूँ, क्योंकि फिर अमेजन से भी मंगवाया है और ज़रूरी है मुझे रिसीव होना वो, तो फिर उसके बाद पैकेट भी नहीं खोल सकते थे। तो फिर मैंने लास्टली ना क्या किया, एड्रेस चेक किया। तो एड्रेस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने मीशो पे डाली हुई है, लेकिन लैंडमार्क वगैरह होता ना कुछ, तो थोड़ा डिटेल में डाल रखी है और अमेजोन पे इतनी डिटेल में नहीं डाली है। तो उससे मुझे लगा कि नहीं ये जो है वहीं से पैकेट आया है और मतलब क्या कहते हैं मुझे नहीं रिसीव करना है, क्योंकि रिसीव कर लिया तो पैसे तो चले ही जाएंगे मेरे और फिर मैं कहूँगी मीशो ने स्कैम कर लिया, मीशो ने स्कैम कर लिया। तो मतलब गलती तो वहाँ है नहीं, मीशो ने तो अलर्ट कर दिया है हमें, तो इसलिए हमें खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। हम ऐसे किसी के भरोसे ऐसे नहीं हो सकते कि हाँ चलो ऑर्डर कर दिया आ रहा है ये वो, क्योंकि लेने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता फिर रो बैठ करके। और एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, लेकिन तब वो मतलब कोई ट्रस्टेड साइट नहीं थी, तो बस एक ही बार हुआ, मैंने फिर वैसा कुछ किया ही नहीं, मतलब किसी और साइट पे मैं जाती ही नहीं जल्दी। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बता दूं, ताकि आप लोगों को भी पता रहे और आप लोग भी अलर्ट हो जाएं। तो बस यही बताना था, मैं तो बाल मतलब बच गई, अच्छा वो नहीं लिया आकर के। फिर मैंने चेक भी किया, जो ऑर्डर्स मैंने किए थे ना वो चेक भी किया, तो वो तो नहीं मतलब अगर कैंसिल जैसे मैंने किया तो वो सारे कैंसिल हो जाने चाहिए थे, बट वो सारे कैंसिल नहीं हुए, दैट मीन्स कि वो रॉन्ग प्रोडक्ट ही था और बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो अपने टाइम पे ही पहुंचने वाले हैं। तो इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था, आप लोग अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्या कहते हैं सतर्कता में ही हमारी सुरक्षा है, तो बचत है आपकी इसमें। तो बस ये मुझे आपको बताना था।